हेलो सुनो, जो पीछे वाला वीडियो जिसके अंदर मैंने तुम लोगों को एक तो थर्मोडायनेमिक्स का थर्ड रूल बताया था, उस वाले के जस्ट बाद वाला वीडियो है ये। ठीक, ये ध्यान रखना आप लोग। तो एक चीज़ सुनो, अब मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। इसके बाद में आपको एक टॉपिक पढ़ना है जिसको बोलते हैं स्पेसिफिक हीट। ठीक है, हाँ स्पेसिफिक हीट। विजिएबल तो है ना, एक बार देखना विजिएबल है क्या। बिल्कुल भी एकदम सही है, बिल्कुल विजिएबल है। तो स्पेसिफिक हीट है वो क्या होता है? स्पेसिफिक हीट होता है, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, अगर आपको कोई चीज़ है उसको आपको गर्म करना है, ठीक है, तो आप जितनी ज़्यादा उसको हीट दोगे उसके टेम्परेचर में उतना ही ज़्यादा क्या आएगा, चेंज आएगा, यानी क्यू प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा टी के, है ना। ठीक, दूसरी चीज़ अगर मैं आपको बताऊँ तो क्यू है वो प्रोपोर्शनल होगा किसके, मास के भी। देखो अगर एक किलोग्राम कोई मटेरियल है तो उसको कम हीट देनी पड़ेगी, एम कम है तो क्यू भी कम देना पड़ेगा, और अगर एम ज़्यादा है 50 किलो का अगर वेट है तो उसको काफ़ी ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्यू और एम और क्यू और डेल्टा टी दोनों प्रोपोर्शनल होते हैं, सही बात है। ठीक, अब एक चीज़ सुनो, अगर मैं इनको कंबाइन करके लिख दूँ तो क्यू है वो प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, एम डेल्टा टी। ठीक, ये इक्वेशन फर्स्ट थी, ये इक्वेशन सेकंड थी, बाय कंबाइनिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, अगर इन दोनों को मैंने कंपाइल किया तो क्यू है वो प्रोपोर्शनल हो गया किसके, एम डेल्टा टी। अगर क्यू एम डेल्टा टी के प्रोपोर्शनल हो गया तो यहाँ जो क्यू है वो किसके इक्वल आ गया, एम एस डेल्टा टी। एस क्या है? एस यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट है। जो S है वो प्रोपोर्शनलिटी का कॉन्स्टेंट है, और इसके अलावा अगर मैं आपको बोलूँ, हाँ S का एक नाम भी है, S को क्या बोलते हैं, वही बोलते हैं जो हेडिंग है स्पेसिफिक। तो फिर S का फॉर्मूला क्या हो गया, Q बटे M डेल्टा। तो बस आपको ये ध्यान में रखना है कि S क्या होता है, Q बटे M डेल्टा। ठीक, एक चीज़ और सुनो, यहाँ अगर मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, M को अगर ले लो 1 किलोग्राम, डेल्टा T को ले लो 1 डिग्री सेंटीग्रेड, तो S किसके इक्वल हो जाएगा, Q बटे 1 × 1, S किसके इक्वल हो जाएगा, Q के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो इसका मीन क्या हुआ, इसका मीन ये हुआ कि अगर 1 किलोग्राम का कोई मटेरियल है और उसके टेम्परेचर को 36 से 37 करना है, यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो जितनी हीट देनी पड़ेगी वही क्या होगी, स्पेसिफिक। यानी इसकी डेफिनेशन क्या है स्पेसिफिक हीट की, स्पेसिफिक हीट की डेफिनेशन है, स्पेसिफिक हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट हाँ रिक्वायर्ड फॉर 1 kg मास to increase its temperature by 1 degree centigrade। ठीक, तो बस ये आपका क्या है, ये आपका है स्पेसिफिक, कर लो। अच्छा, अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक हीट की यूनिट की, तो यूनिट क्या होगी बेस की, Q बटे एम डेल्टा टी। क्यू की यूनिट क्या होती है, हीट की यूनिट वैसे जूल होती है ना। ठीक, कैलोरी भी होती है बट कैलोरी सीजीएस यूनिट है, और एम की यूनिट क्या होती है, एम की यूनिट होती है किलोग्राम, और डेल्टा टी की यूनिट केल्विन। तो जूल पर किलोग्राम केल्विन यूनिट किसकी है, ये यूनिट है स्पेसिफिक हीट की। ठीक, तो ये आपको ध्यान में रखना है, स्पेसिफिक हीट की जो यूनिट है वो आपकी क्या होती है, जूल पर किलोग्राम केल्विन। ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आपको अच्छे से करना है, और ये आपको करना ही है। ठीक है, अच्छा एक अगर मैं आपको पूछूं कि ये स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन क्या होगी, जगह जगह कर लेते हैं ना। ठीक, इतना देख लो भी, अगर देखो एक चीज़ मैं आपको बताऊं, चलो तुम लोगों को आता होगा, अपने फ़ोन में इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर लिख लेना, एक बार मैं इसको इरेज कर रहा हूँ।
एक तो आप अगर वॉल्यूम कम करते हो तो माइनस वाला बटन, और एक जिससे मोबाइल का स्विच ऑफ खुलता है वो वाला बटन, दोनों साथ में दबाओ तो इसका स्विच ऑफ, इसका मतलब फ़ोटो खींच जाएगा इसका, ठीक है, उसके बाद लिख लेना। अब देखो आगे, अगर आपको बोल दे कि स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन निकालो, अगर स्पेसिफिक हीट की डायमेंशन निकालोगे तो देखो जो जूल है, वर्क को भी जूल में नापते हैं और हीट को भी जूल में नापते हैं, और वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो आप क्या करो, फोर्स की यूनिट निकालो एमएलटी की माइनस टू, और इनटू में आप डिस्प्लेसमेंट की यूनिट निकालो, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट कितनी होती है एल, और बटे में किलोग्राम की यूनिट क्या होती है एम, और केल्विन की यूनिट क्या होती है के। तो एम से एम कैंसिल, एल स्क्वायर टी माइनस टू के माइनस वन, दैट इज द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक। ये क्वेश्चन भी एक बार एग्जाम में आया हुआ है कि स्पेसिफिक हीट की क्या बताओ डायमेंशन, कर लोगे, कर लेंगे, ठीक है। इसको अभी यहीं ख़त्म करते हैं, आगे देखो, आगे आपका है, देखो ये ख़त्म हो गया यहीं पे, इससे आगे इसमें कुछ नहीं है, स्पेसिफिक हीट मैंने पूरा करवा दिया। एक माह आगे छोटा सा टॉपिक और कराऊंगा मोलर स्पेसिफिक।